आप लोगों के भी जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो अभी यू पीपल कैन शूट। पाजी शुरुआत करेंगे। हाँ जी, वेलकम बैक की पूरी टीम को मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड। नज़र यहाँ पे एकदम मिल यहाँ पे जी। मेरा सवाल है जॉन अब्राहम से। जॉन सर, शूट आउट एट वडाला के बाद आप फिर से भाई के अवतार में आए हैं और इस बार भी आपके सामने अनिल कपूर होते हैं। इस बार थोड़ा फनी में भाई बन रहे हैं, तो इस केमिस्ट्री के बारे में आपको क्या कहना है और अपने रोल के प्रेपरेशंस के बारे में आपको क्या कहना है? जी, आई थिंक एज फार एज द रोल इज़ कंसर्न, ये एक भाई का रोल है जैसे आपने कहा। इट्स अ कॉमेडी फिल्म और इस रोल में जितना भी कुछ मैंने किया, इट्स थैंक्स टू मिस्टर अनीस बाज़मी। अनिल सर के साथ जो मेरा केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वी वर्क टुगेदर इन शूट आउट एट वडाला। और नाना सर के साथ टैक्सी 9211 में, परेश सर के साथ गरम मसाला और एक आध और फिल्म में। सो द केमिस्ट्री इज़ रियली स्पेशल और इन सब से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। एंड क्रेडिट तो सिर्फ अनीस भाई को देना चाहता हूँ बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मुझे इसमें गाइड किया, आई थिंक इज़ रियली रियली स्पेशल। फिरोज जी, मेरा आपसे सवाल है। ऐसा खबरें आई हैं कि जो मूवी है, भले हमने ट्रेलर में देखा सितंबर 4 को रिलीज़ हो रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप शायद पोस्टपोन करने वाले हैं सितंबर 11 को, जस्ट टू अवॉइड क्लैश विद हीरो। कितनी सच्चाई है इस बात में? वी आर कमिंग ऑन द 4th of September, दैट्स कन्फर्म्ड एंड दैट्स ऑल आई कैन से फॉर अस। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द मीडिया वी रिस्ट्रिक्ट द क्वेश्चन जस्ट टू वेलकम बैक प्लीज। बट एज फॉर द मूवीज रिलीज डेट इज कन्फर्म, वी आर डेफिनेटली ऑन 4th September। थैंक यू। Hi, this is Akanksha here from 9XM. My question is to Mr. Bazmee. Why is Akshay not a part of the sequel? Akanksha, ये जो पहली फिल्म है जहाँ हमने ख़त्म की थी, वो फिल्म जो है अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म थी, वहाँ ख़त्म हो गई। वो रोल जो है अक्षय जी का जो था, वहाँ पर अक्षय एंड कतरीना एंड मलिका, ये तीनों के रोल वहाँ ख़त्म हो गए थे। ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से जो फिल्म शुरू होती है उसमें जो हीरो है वो अक्षय हो ही नहीं सकते थे, इसलिए कि पहली फिल्म में वो थे, वो शरीफ से इंसान। इसीलिए जो हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि इसमें जो बेस्ट नज़र आएंगे और इस तरह का रोल जो है वो उसके साथ पूरा इंसाफ कर सकेंगे, वो है जॉन। एंड जॉन ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है इस फिल्म में। और श्रुति यहाँ पर आज मौजूद नहीं है। श्रुति आना चाह रही थी, उसने बहुत कोशिश की, बट उसकी शूटिंग है दुबई में। लेकिन जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम रखेंगे उसमें श्रुति, डिम्पल जी, परेश भाई एंड नसीर भाई, ये सारे लोगों को आप मिल पाएंगे। थैंक यू। डन हो गया, चलो मैरियट में मिले बैकअप करने का। भाई, आप लोग सारे लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब लोग जो है वो मैरियट में हम लोगों को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। नाना जी, अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस बारे में। क्या कोई सवाल ही नहीं कर रहा यार, ये क्या तरीका है? इतने लोग बैठे हैं, कोई सवाल, कुछ तो सवाल करो, कुछ है आपके जहन में, कुछ टेढ़ा बाका जो भी सवाल करो। नाना जी, आप बहुत कम मूवीज में दिखते हैं, तो क्या कारण है? कोई लेता ही नहीं यार। Anil ji, my question is to you, sir. Sir, here. Where are you? Sir, here. Yeah. So, sir, is it true कि नाना सर थोड़े short-tempered हैं on sets? कभी भी थोड़ा भी कुछ बुरा लग जाए तो? अभी 10 मिनट पहले झगड़ा हुआ है। Sir, lift में हुआ है वो। इधर कैसे हम present करेंगे, क्या करेंगे? इतना बड़ा script हमको अभी हाथ में थमा दे रहे हैं। हमने कहा यार rehearsal नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कैसे करेंगे? तो मैं बेचारा वो compare करने वाला था, मैंने कहा गलत सवाल किया तो मैं मारूंगा, तो बोलता है यार आप काय को मारेंगे, माफ करना यार। मैं सच्ची सर, अभी क्या करेंगे? अभी देखो यार, यहाँ तो एक ही बात हो सकती है, फियास्को रटने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है कि नहीं? इनको लगता है कि नहीं बहुत स्वयंभू तो है नहीं, हम ये लिखते हैं, हम बोलते हैं, ऐसे थोड़ी है। झगड़ा बहुत होता है यार। मुझे लगता है, देखिए एक बात बताओ, जहाँ तक एक्टर और डायरेक्टर का ताल्लुक, राइटर का होता है, मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी बात है कि भाई या तो कन्विंस हो जाइए या कन्विंस कर दीजिए, क्योंकि एक एक्टर जो बिल्कुल सवाल ही नहीं करता है और सिर्फ काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कितना इंटरेस्टेड है फिल्म में काम करने में। लेकिन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टर्स हैं, इतनी बड़ी फिल्म बनती है जब, तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और सबके जहनों में एक अपने सवाल होते हैं और वो होता है। लेकिन मुझे लगता है एज ए राइटर डायरेक्टर, अगर आपने मेहनत की है स्क्रिप्ट पर और अगर आपने उस फिल्म को जिया है और उस फिल्म को सोचा है, और अगर आप क्लियर हैं तो मुझे लगता है उतनी तकलीफ होती नहीं है। इसलिए कि लास्ट में मामला यही है कि जो ये होता है जो डिस्कशन, वो सिर्फ इसलिए होता है कि किस तरह हम जो मेहनत कर रहे हैं वो और अच्छी हो, तो वो जो रिएक्शन होते हैं उनके वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो अगर आपको एज ए राइटर डायरेक्टर ये पता है कि आप क्या फिल्म बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो क्लियर हो जाता है और कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होती है। नहीं, एक थोड़ी सी बात ऐसी होती है कि इनको हम हमेशा कहते हैं कि भाई सीन ज़रा थोड़ी जल्दी दे देना ताकि वो जहन में रह जाए। ये रात को लाके वो हमारे होटल के इधर से अंदर से सरका देते थे रात को 3 बजे। नहीं इनको 2 बजे सूझने लगता है। नहीं मुझे बोलने दो। अब ये चाहते हैं कि हम दूसरे दिन करें। एक एक्टर करके इनसिक्योरिटी भी होती है, यार इसको क्यों इतनी अच्छी लाइनें दी है, मुझे क्यों दी, ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ी बोले चलेगा। तो डिस्कशन उसके ऊपर भी होता है, यार मेरी पंच लाइन क्यों नहीं, इसकी क्यों है, इसकी क्यों है, मेरी क्यों नहीं है, तो उसके ऊपर बहस ज्यादा होती है। अनिल सर, फिर मैंने नाना जी को बताया भी था, क्या है कि स्क्रिप्ट जो है वो लिखी होती है, सीन्स लिखे होते हैं, बट मुझे लगता है कि एक जो सिर्फ डायरेक्टर होता है वो एक बाइंड स्क्रिप्ट को जो है वो एक चीज़ मानकर वो शूट कर सकता है। लेकिन जब एक राइटर आप होते हैं तो आपके साथ एक एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी ये होता है कि आपको जब सुबह शूट करना है तो रात को बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू होती है, और अच्छा खासा जो लिखा हुआ सीन है जिसको लोगों ने सुना है और बहुत वाह वाह किया है, वही रात को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें भी बहुत कमियाँ हैं, तो वो एक दुश्वारी है। ये एडवांटेज आपका है, डिसएडवांटेज हमारा है। अनिल सर, फिर से मजनू भाई बनना कितना एक्साइटमेंट रहा, कितना अच्छा लगा, और बार बार आप अड़ंगा क्यों लगाते हैं जॉन को और इनके बीच में? देखिए, एक तो अच्छा हिस्ट्री लगा क्योंकि 7 साल के बाद मैं कर रहा था। कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी रोल हो, हर साल मैं करूँगा तो आपको भी बोर करूँगा और ख़ुद भी बोर हो जाऊँगा। तो काफ़ी अरसे के बाद ये रोल जब करने का मौका मिला, और अनीस साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, फिरोज साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नाना साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जब तक फिल्म में जब अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं साथ में, जॉन साहब हैं, परेश हैं, नसीर है, तो करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मजनू भाई का जो है ये पूरा जो माहौल है इस फिल्म का, उसमें जो करने का, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इतने बड़े फनकारों के साथ मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला है। मैं अकेला, अगर सॉलिट्यूड या अकेले में ये मजनू भाई करूँगा तो मजनू भाई जो है एकदम फ्लैट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह लिखा गया है, और जैसे कि नाना साहब हमेशा कहते हैं कि मजनू के बिना उदय नहीं, उदय के बिना मजनू नहीं। लेकिन जॉन यस, नाना सर इज सेइंग समथिंग। नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू है, इधर उधर वैसे है ये दोनों कैरेक्टर। तो कह रहे जॉन, आपकी बॉन्डिंग ऑन सेट्स किससे अच्छी थी, मजनू भाई के साथ या उदय भाई के साथ? दोनों के साथ, तीनों के साथ। घुंगरू भी थे वहाँ पे। आई थिंक द बॉन्डिंग वॉज फैबुलस। जो एनर्जी था सेट पे, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि इट वाज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, फैंटास्टिक। अनीस जी, मेरा आपसे सवाल है। अनीस जी, नसीर साहब का जो कैरेक्टर है वांटेड भाई, क्या ये रिप्लेसमेंट है आरडीएक्स कैरेक्टर जो वेलकम में फिरोज खान साहब ने किया था? फिरोज खान साहब को नो वन कैन रिप्लेस, ऐसे मत बोलो। मैंने वो भी पहले कहा, फिरोज खान साहब थे वो, खान साहब बच्चों के जैसा हमें ट्रीट करते थे। लेकिन ये कैरेक्टर अगर खान साहब होते तो शायद खान साहब ही करते, मतलब मैं कह देता हूँ। लेकिन नसीर उतने ही कैलिबर का, उतना ही ग्रेट, और उसकी वजह से नसीर इस फिल्म में है, लेकिन खान साहब की रिप्लेसमेंट नहीं है। अंकिता, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। नॉट ओनली इज दिस योर फर्स्ट फिल्म बट यू आर विद सो मेनी स्टॉलवर्ड्स इन ब्रांडेड फ्रेंचाइज। Why did you select this as your first film, and how confident or how scared were you? I was definitely very scared, but क्योंकि जो मेरा first scene था वही नाना जी और अनिल जी के साथ था। तो मैंने देखा और मैंने कहा अच्छा अभी क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और स्क्रिप्ट भी थोड़ा लंबा था। तो थोड़ी देर में बैठी रही, उसके बाद मैंने कहा यार अंकिता, डरने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि डरोगी तो आवाज़ नहीं निकलेगी, और अगर आवाज़ नहीं निकलेगी तो नाना जी की आवाज़ बहुत निकलेगी। तो इससे बेटर है कि डर छोड़ो और जो भी है बस कर दो बिंदास। तो मैं जब भी जाती थी सेट पे डरी हुई रहती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखाती थी कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट अंदर से बहुत डरी हुई रहती थी. सो थैंक यू. जॉन, जॉन यहाँ पर, जॉन. हाँ जी अंकिता, सॉरी जॉन यहाँ पर, यहाँ यहाँ आपके लिए जी. जॉन, I have two questions for you. Firstly, if correct me if I'm wrong, मद्रास कैफे के बाद ये आपकी 2 साल बाद ये पहली रिलीज वेलकम बैक होने वाली है, तो इतना वक्त क्यों लगा? मतलब कि आपको अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थी या फिर क्या वजह थी सिल्वर स्क्रीन से इतनी दूरी बनाए रखने की? और दूसरी बात, ये फिल्म कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मद्रास कैफे क्रिटिकली बहुत अप्रिशिएट किया गया था आपका परफॉर्मेंस, बट बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाई थी. वो आपको किसने कहा? रिपोर्ट्स. आई थिंक एवरी फिल्म इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं एक फिल्म पे इतना स्ट्रेस नहीं करता हूँ कि ये फिल्म अगर चले ना चले कुछ होगा. आई थिंक वो आप लोग का काम है, मेरा नहीं. एंड मेरा काम है परफॉर्म करना है, एंड दैट्स व्हाट आई एम मेंट टू डू. मैं फिल्म्स बनाता हूँ एंड आई एन्जॉय डूइंग इट. 2 साल, 1 साल, 3 साल, मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. आई एम नॉट इनसिक्योर, आई कैन वेट. Thank you so much, John. Hello. Thank you so much, ladies and gentlemen. Hello. 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 Sir, sir, one minute. Hurry, hurry. Sir, sir, one. हाँ, sir, sir, कौन? नितिन एक सवाल. हाँ, कौन है? नितिन एक सवाल. पूछिए ना. हाँ, sir, आप सभी से एक सवाल है. उधर का लोड कम हो जाएगा उधर. वो पूछो, पूछो. पूछो, पूछो. Hello, आप सभी से एक सवाल है कि इस काले के पीछे का राज क्या है? कपड़े आपने काले पहने. हाँ, ये हमारे जहन का रिफ्लेक्शन है. दिल के भी हम काले हैं और कपड़े भी काले. हेलो अनिल. हेलो हेलो अनिल, आप बताएं. अजय, आप बताएं काले के पीछे का राज. आई थिंक बिकॉज आई थिंक ब्लैक इज, यू नो, ऑल ऑफ अस इट्स अ फेवरेट कलर. आई लव ब्लैक. आई थिंक एंड यू नो आई थिंक ब्लैक इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी लुक्स गुड एंड कूल. दैट्स द रीजन आई फील. हेलो सर, यो सर अनु मलिक जी. अनु मलिक जी. अनु सर, सवाल आपके लिए. रमेश राव फ्रॉम ब्लॉकबस्टर. इधर है अनु जी, इधर इधर लेफ्ट में सर. हाँ बोलिए बोलिए. सर हाउ आर यू? गुड गुड. सर व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू सच अ एक्शन मूवी? आपने किस तरह गाने और कैसे क्या किए? देखिए, देयर आर मल्टीपल कंपोजर्स इन दिस फिल्म, और फिरोज एंड अनीस आर वेरी वेरी स्पेशल टू मी. एंड मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि नाउ जो मेरा गाना छुपा के रखा है वो गाना आएगा तो बड़ा हंगामा होगा. और साथ साथ देयर इज सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई वुड लाइक टू शेयर, दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, आई डोंट थिंक आई हैव एवर हर्ड जॉन अब्राहम सिंह. मैंने जॉन अब्राहम से भी ये गाना गवाया है, व्हिच आई थिंक इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिग हाइलाइट्स ऑफ दिस फिल्म, एंड दैट इज माय कंट्रीब्यूशन मिस्टर ब्लॉकबस्टर. थैंक यू. ओके, वन आखिरी सवाल. नाना देवी सज्जन, या दिस साइड. पिछली फिल्म में आपके साथ मल्लिका शेरावत थी, उनके साथ रोमांस करना ज़्यादा एक्साइटिंग था कि न्यू कमर के साथ ज़्यादा एक्साइटिंग था? अरे यार, दोनों में करने नहीं मिला. क्या बात कर रहा है? लेकिन कर वो तो कहीं कुछ करने जाओ तो ये बीच में आता था, कहीं मैं गया तो छोड़ो यार, क्या हमारे दुख हमें मालूम है यार. हाँ सारा जलता है सर, बिल्कुल. चलो वहाँ मिलते हैं. थैंक यू सो मच.